अस्सलाम वालेकुम, अभी हम हॉक्स बे की तरफ रवाना दवा हैं। जैसे ही हम हॉक्स बे पर पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह आपको लाइव समंदर दिखाएंगे, जिसे समंदर कहा जाता है। यहाँ पे सी व्यू जो कि इंतहाई गंदा, जिसे समंदर कहने का दिल नहीं करता, बट आपको असल समंदर का नज़ारा करवाएंगे कुछ ही देर में। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ों की तलाश में कि क्या कुछ लेके जाया जाए यहाँ से खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि कोई इतनी अच्छी होटलिंग का इंतज़ाम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। अभी गर्मी काफ़ी है तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि जाके समंदर में नहाया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपके साथ हॉक्स बे। अभी हम कुछ ही देर में हॉक्स बे पहुँचने वाले हैं, आपसे बात करवाते हैं। हमारा एक बहुत ही प्यारा दोस्त मिनास, मिनास बताएं कैसा सफ़र गुजरा आपका? बड़ा मज़ा है, यकीन कर एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप पहुँचे नहीं हैं, क्या आपकी जज्बात है? पहुँचने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके नहाने का इरादा है आपका? हाँ बिल्कुल, 100%। तो इंशाल्लाह हम आपको कुछ ही देर में हॉक्स बे का भी नज़ारा करवाएंगे। तो अभी हम कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीव्यू से हॉक्स बे कई गुना बेहतर है। यहाँ आकर हमें ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया। नाज़ क्या कहते हैं आप, हॉक्स बे कैसा लगा? बहुत मज़ा है, यकीन कर यार, शिल माहौल है भाई। आओ आ जाओ, आप भी विजिट कर दो। सी व्यू से कई दर्जे बेहतर। जो लोग समंदर देखने के दिल दादा हैं, समंदर देखना चाहते हैं, तो वो सी व्यू को छोड़ें, हॉक्स बे पे आएँ, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप लोग, मेरे वर्ड नोट कर लें। सो मुझे अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। जो लोग कराची में रहने वाले हैं उनको तो पता है, बट जो लोग पंजाब से यहाँ स्पेशली विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए सी व्यू से अच्छा हॉक्स बे है। और सी व्यू को छोड़ के हॉक्स बे में आएँ, आपको एक अच्छा समंदर देखने को मिलेगा। और ये हमारा लफंटरों का ग्रुप जो कि नहा के थक चुका है और अब इनको भूख लगी है, हम लोग नहा के काफ़ी थक चुके हैं। अभी आके यहाँ पे काफ़ी हट्स भी मौजूद हैं जहाँ पे आप आके आराम कर सकते हैं, अपना सामान लेके आएँ, वहाँ बैठें, फैमिली के साथ इंजॉय करें। उसके अलावा यह है कि इसके कुछ देर बाद हम लोग एक नए पॉइंट को विज़िट करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएँगे। अब बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो लोग समंदर देखने के ख्वाहिशमंद हैं, समंदर देखना चाहते हैं और एक अच्छे व्यू की तलाश है, तो वो सी व्यू को छोड़ें, हॉक्स बे पे आए। मेरा वादा है कि आप का दिन ज़ाया नहीं जाएगा। तो
बाकी ये है कि लोकेशन मैंने इसलिए कवर नहीं की क्योंकि आज का हर इंसान के पास मोबाइल है, तो लाइव लोकेशन के थ्रू वो हर जगह पे इजीली एक्सेस कर सकता है। अवल जो दोस्त मेरी ये वीडियो देखने के बाद हॉक्सबी को विज़िट करें तो मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया वैसा आपने हॉक्सबी को पाया या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में कराची के एक नए पॉइंट के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।